तो अभी थोड़ी देर और बात बुलाते तो मैं तक तो सो ही जाता और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भैया के बुलाने पर मैं चला आया। तो जनाब मैं तो बेवफाई पर ही लिखता हूँ और मोहब्बत में तो मेरे नज़रिए ही ख़राब हैं तो कुछ नहीं, मोहब्बत तो की है ना हाँ थोड़ा बहुत चलिए तो देव भाई से मेरे महफिलों में आने से तुम बेफिक्र रहना, तेरी ओर इशारा नहीं करेंगे। तू कभी जान रही है इस दिल की, तेरे किरदार को बरकरार रखेंगे, बदनाम नहीं करेंगे। और ये लोग वजह पूछते हैं मेरे महफिलों में आने की, अगर मैं कसमें भी खाऊं कि मैंने प्यार नहीं किया और तू धोखेबाज नहीं है, तो ये लोग यार विश्वास नहीं करेंगे इसलिए ना चाह करके भी हम तुझे बदनाम करेंगे और ज़रूर करेंगे। वो महफिल भी हमारी होगी और लोग भी हमारे होंगे और माइक तो हमारा ही तो इजाज़त चाहता हूँ कुछ मैं तो खुले विचार लिखता हूँ, कोई शायरी और वो नहीं है, तो देखिएगा गौर फरमाइएगा। बड़ी खूबसूरती से सजाए थे वो पल, वो पल भर में तूने खाक कर दिए। बड़े कीमती थे वो यादों के पन्ने, अपनी नफ़रतों से जलाकर वो तूने राख कर दिए। अब सोचते हैं कि तुम्हारे हर दिन का गुजारा क्या होगा, फिर याद आया दिल तोड़ना तो पेशा था तुम्हारा, वो हमारा क्या होगा। मोहब्बत के दरमियान तेरे लिए गए सभी फैसले हमने मंजूर किए, और जितने झूठे वादे किए थे मोहब्बत में तूने, उतने तो अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। और मुझे अफसोस नहीं कि तू बिछड़ गया मुझसे किसी और की खातिर, बल्कि ताउम्र मलाल तो रहेगा इस बात का कि तुझ पर तो बेवफाई करने का सलीका भी नहीं आया। राखी बांध कर रखी बनाया, बस तेरा यही तरीका पसंद नहीं आया। अब देखिए रकीब बनी गया है तो देखिए आगे क्या होता है। कि तुमने जो किया वो अपने पेशे से, लेकिन अब हम गद्दारी करेंगे अपने ईमान से। और जो कहता था हम आपकी जगह किसी को नहीं देंगे, वो शख्स कब का मुकर चुका है अपनी जुबान से। और हमें खबर लग चुकी थी अपने एक वफादार से, पैरों तले जमीन निकल गई बीते रविवार से। दिन के उजाले में जमीर का सौदा कर लिया है उसने मेरे ही किसी मतलबी यार से। तो कुछ बातें जो होती हैं, अब दर्द भी मिलता है तो फिर उसको महफिलों के सवा कहीं और भी नहीं कह सकती, तो उस पर है। मेरा दिल तो फिर भी दो हिस्सों में टूटा, लेकिन वो तो ना जाने कितनों में बट चुका है। और यही बात मैं महफिलों के सवा कहीं और नहीं कहता, वरना लोग कहते हैं समझ गए हम तेरा भी कट चुका है। और अब दोबारा वो मोहब्बत करने निकले हैं तो इस पर देखिएगा कि मोहब्बत एक मर्तबा होती है, बार बार नहीं होती। आशिक के दर्द की दवा शराब होती है, चाय नहीं होती। और इश्क में रूह और आबरू किसी एक के नाम करना ही मुकम्मल मोहब्बत है, और मुकम्मल मोहब्बत करना पापा की परियों की बस की बात नहीं। तो आगे देखिएगा, अब थोड़ा सलाह मशवरा हो जाए। मोहतरमा शहर में नई लगती हो, कहीं जाओगी क्या? इस टूटे दिल को कहाँ लेते फिरोगी, हमें बेचना चाहोगी क्या? अजनबी हो इसलिए एक सलाह देते हैं, रास्ते में इस टूटे दिल को मांगने वाले कई भिखारी मिलेंगे। और गलती से भी किसी को दान मत करना, अगर किया तो अक्सर वही जिस्म का शिकार करने वाले शिकारी निकलेंगे। और एक लड़कों के लिए कि मजबूरी बताकर धोखा देना लड़कियों की एक कला है, कि मजबूरी बताकर धोखा देना लड़कियों की एक कला है, और बैकअप में एक जीअप तो ज़रूर रखना, और लड़कों को मेरी यही सलाह है। अब हम लोग आगरा से हैं तो और एक आगरा सही हो जाए। कि शाम होते ही हर गली हर मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं, कि शाम होते ही हर गली हर मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं। और ये आगरा के लोंडे वहीं हथियार चलाते हैं जहाँ मैटर बड़े हो जाते हैं।
और थोड़ा एटीट्यूड है वही हमारा, तो उसमें खुले अल्फाज हैं। तो जो लोग दोगले होते हैं ना, तो वो जो लोग दोगले होते हैं वो तुम्हारे यहाँ से भी वफ़ादारी और वहाँ से भी वफ़ादारी करते हैं, और फिर मतलब निकलते ही तुम्हें फिर याद तक नहीं करते, तो फिर उनके लिए। मुझे इस तरह देखकर मेरे दुश्मन हैरत में, मुझे इस तरह देखकर मेरे दुश्मन हैरत में, और बदला तो उन दोगलों से लेंगे सिवाय माँ शुका के, वो तो मेरे नाम से ही दहशत में। अरे कर ली हमसे बदमाशी, मिल गई तसल्ली जनाब को। अरे कर ली हमसे बदमाशी, मिल गई तसल्ली जनाब को। उंगली करने से पहले नहीं बताया किसी ने कि बेटा मत छेड़ो अपने बाप को। और एक मोटिवेशन ही है, जो कभी पूछते थे तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम पता और जात, जो तुमसे पूछते थे तुमसे तुम्हारा नाम पता और जात, अगर काबिल नहीं हुए तो बेटा वही पूछेंगे क्या है तुम्हारी औकात। तो इसी के साथ लास्ट है एक, और मैं अपनी जगह लूँगा। ज़्यादा नहीं बस इतनी तरक्की पाना है, ज़्यादा नहीं बस इतनी तरक्की पाना है, अपनी माँ को हेलीकॉप्टर में बिठा के पूरा जम्मू कश्मीर घुमाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।